सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले माफियाओं के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशासन टीम बनाकर माफियाओं और गुंडों के खिलाफ कार्यवाही कर रहा है। शासकीय जमीनों पर बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर खाली जमीन कराई जा रही है। परासिया विधानसभा में शासन प्रशासन माफियाओं और गुंडे बदमाशों की अवैध कब्जे वाली जमीनों पर जमकर बुलडोजर चला रहा है। भाजपा सरकार ने दोबारा सत्ता में वापसी के बाद माफियाओं पर सख्त रवैया अपना लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत छिंदवाड़ा जिले के परासिया विधानसभा में भी अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया गया और अवैध बने एलके टावर को ध्वस्त कर दिया गया। राजस्व और परासिया पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कब्जा हटाया। निगरानी बदमाशों पर NSA की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के बाद पुलिस, तहसीलदार और SDM द्वारा संयुक्त टीम बनाकर अवैध कब्जा भी हटाया गया। लगातार परासिया के गुंडे माफियाओं के दौरान अवैध कब्जे कर लिए गए थे। प्रशासन का डंडा परासिया में शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने वालों पर चल रहा है। निवासी खिलसा डो थाना परासिया का गुंडा बदमाश है, जिसके विरुद्ध मारपीट, चोरी और बलात्कार के कई प्रकरण पंजीबद्ध हैं। इसके आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण लाने हैं। इसके विरुद्ध NSA की कार्रवाई की गई है और इसके विरुद्ध बलात्कार के 4 प्रकरण पंजीबद्ध थे और इसके द्वारा शासकीय भूमि मुख्य परासिया छिंदवाड़ा मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण किया गया था। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।